हैप्पी होली, हैप्पी होली, चलो बाय, चुमना दे। আমার আসামটো আমার কারণে বহুত ভাল, আমি ইয়াত বহুত ভাল পাও, আর খালি হোলিটো ভালেই লাগিছে, কিন্তু জানো মোর মা নাই যে হেতু কারণে মো হোলি খেলিব মন না যায়। আর वो रहा है कि मन कर रहा है कि हम सबको छोड़ करके तुम लोग के साथ ज्वाइन कर ले। देख रहे हो यार, बहुत ऊपर है ना। चलो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, इतना काफी था, काफी था। तो लिफ्ट तो नहीं मिला हम लोग को यहाँ से, तो क्या नाम बताए? मुन्ना सिंह है। मुन्ना सिंह जी नाम है। और खास बात तो यह है कि ये बिहार से, आप कितने दिन से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हम 6 महीने, 6-7 महीने हो गए। और आपका नाम भैया? अभी कुमार गोस्वामी। अभी कुमार गोस्वामी, कितना साल से आप? हम 2007 से है। बाप रे बाप, तो बहुत लंबा समय हो गया है ना। तो यहाँ पे ये बिहार के हैं, और ये जहाँ काम करते हो मालिक भी बिहार से है, लेकिन वो आज़ादी से पहले आ गए थे। और वीडियो में देखे कि एक दादा भी है, वो 1962 में यहाँ आए थे। तो यहाँ के कुछ लोकल कल्चर को एक्सप्लोर करेंगे आज, ठीक है? और चलो देखते हैं। हाय, हैप्पी होली, कैसा है? बढ़िया, चलो हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो दोस्तों आइए ना, मतलब अपने कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे होली गाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कल्चरल प्रोग्राम ये है होली का। ये कल्चरल होली है भाई आसाम का। तो दोस्तों यहाँ पे देखा आपने, कल्चरल होली था, या हमारा भाषा तो समझ में नहीं आया, बट अच्छा लगा यार। और चलो और कुछ एक्सप्लोर करते हैं। और ये भैया मोतिहारी के रहने वाले हैं, हमारा घर डुमरिया पड़ेगा, इसे डुमरिया, मोतिहारी में डुमरिया। सो दोस्तों यहाँ पे इस टाइप से फेंसिंग किया जाता है, बाड़ी लगाया जाता है वहाँ का, जानवर जानवर के लिए है, क्योंकि काजीरंगा यहीं पर टाइगर है, बंगाल टाइगर है, राइनो है, हाँ राइनो, पोहू है, पोहू जिसको हम लोग हिरण बोलते हैं वो भी मिलता है, हाथी जो है ना, यहाँ हाथी लोग को बन इतना परेशान कर देता है कि मतलब लोग इसीलिए लोग बाड़ी लगाते हैं अपना, अच्छा बांस का बाड़ी लगाते हैं। हरिहर, ये देखो ये नहर है पूरा, ये ऊपर से आ रहा है ना पहाड़ के पानी, जो जहाँ पे हम लोग पानी पिए थे। और ये देखो यार, ये पुलिया, इस टाइप का पुलिया है यार यहाँ पे। सो दोस्तों इस एडवेंचर के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था यार, अब फाइनली आ रही, मतलब अपने को ये एडवेंचर मिला यार। और कुछ इस टाइप का घर है यार, ये है सुपारी का पेड़ दोस्तों, तामुल बोलते हैं इधर, लेकिन तामुल बोलते हैं लोकल भाषा में। सो दोस्तों ये है टी फैक्ट्री, टाटा का है। सो अंदर तो शायद नहीं जा सकते यार, किसी कंपनी में अलाउ परमिशन लेकर के जाना पड़ेगा, बट अपने को परमिशन मिलेगा या ना मिलेगा बात की बात है। चलो कुछ गांव ही घूमते हैं यार, इंजॉय करेगा, हां इंजॉय भैया, इंजॉय करेगा, हां ठीक है ठीक होगा होगा, खुश। सो दोस्तों इन्होंने कुछ बोला कि कुछ दो यार, तो ये विकास जी ने 10 रुपये इनको इनको दिया, बट हम लोग यार टूरिस्ट हैं, हम लोग तो नहीं देते हैं, लेकिन खुशी का चीज़ था, बिना विकास भी दे दिए यार, कोई बात नहीं यार, होते रहता है। चाची जी नमस्ते, कैसन वाणी? ठीक ठीक वाणी, कहाँ से वाणी रहुआ? मोतिहारी जिला से। कितना दिन से यहाँ रह रहा हुए? हाँ वाणी सो हमनी का साल हो गया है ना, तो कैसन बा यहाँ? ठीक ठीक चलत बा, चल शांति बा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक बा, घर के बिहार के याद आवेला मोतिहारी के, मोतिहारी के ज
जन्म वाला मिट्टी तो याद रही जाला, जहाँ जन्म होल तो बिहारे में ना होल होते हाँ, हाँ। तो वहाँ के तो रिश्ता पुराना है हाँ, तो वहाँ के तो याद कहीं ना जाई ना दिल से ना। बस कमाए खाते कमाए खाए खातिर रोजी रोटी खातिर यहाँ आइलू है हाँ, हाँ। ना तब बीच बीच में आवे जाइलू कि ना जाइलू बिहार जाइली ना हाँ, परिवार उरवार तो हुई है हाँ, बाटे ना चलो ठीक है चाची चलत है ठीक हैप्पी होली सभी को हैप्पी होली हैप्पी होली तो बंगाली हेलो बंगाली बोलियो हैप्पी होली हैप्पी होली की नाम छो साहिबा साहिबा थोड़ा हमें भी अबीर लगा दो आप लोग थोड़ा सा हैप्पी होली थोड़ा सा तुमने मानेगी नहीं लगा तुम्हारा नहीं तो हार है ना हाँ तो बैटरी बंद हो गया थोड़ा सा होता नहीं शर्म आ रहा है विकास भैया को नहीं लगाया मैंने यार विकास भैया को मैं लगा देता हूँ थोड़ा सा हैप्पी होली विकास भैया आपको भी नहीं बोला हैप्पी होली भाई हैप्पी होली हैप्पी होली चलिए ठीक है सबको बाय बाय हैप्पी होली हैप्पी होली मुझे तो लग रहा था यार कि मैं होली खेल ही नहीं पाऊंगा लेकिन ये भैया यहाँ पे रुका यार बहुत अच्छा लगा यार तो अभी चलते हैं यहाँ पे आगे में बिहारी लोग रहते हैं वहाँ पे जाते हैं अभी आदिवासी सब है ना तो चलो फिर इनसे मिलते हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार और यहाँ पे भोजपुरी गाना भी लोग बजा रहे हैं यार तो चलो फिर चलते हैं क्या नाम है मानसी कितना दिन से इधर आ रहे हो बहुत दिन हो गया मतलब जन्म यही हुआ बचपन से पढ़ने जाते हो हाँ। कहाँ पे बागोरी आप होली नहीं खेले क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता क्यों रंगों का त्यौहार क्यों नहीं अच्छा लगता पता नहीं मेरे को भी अच्छा नहीं लगता मैं भी घर पर रहता हूँ तो नहीं खेलता हूँ यहाँ आया हूँ आसाम तो खेल रहा हूँ मैं बिहार से आया हूँ और पूरा घूम रहा हूँ इधर ये घर ऐसा है ये बांस के घर बनाते हैं यहाँ पे आसामी भाषा में कुछ बोलो हाँ बोलो क्या कुछ भी जो मन मतलब आसाम कैसा है और आसाम में यान मन होली कैसे मनाते हैं আমাৰ আসামটো আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল আমি ইয়াত বহুত ভাল পাওঁ আৰু খালি হোলীটোও ভালেই লাগিছে কিন্তু জানো মোৰ মা নাই যে সেইটো কাৰণে মোক হোলী খেলিব মন নাযায় আৰু अच्छा क्या बोले हिंदी में हमको बता दो हिंदी में हमारा आसाम हमको बहुत अच्छा लगता है मुझे होली पसंद नहीं है फिर भी मैं होली खेलती हूँ मेरी माँ नहीं है इसलिए मैं होली नहीं खेलती अच्छा कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो क्लास 9 में चलो ये आसाम बोर्ड से चलो ठीक है चलो दोस्तों हम लोग ये गाँव की छोटी गलियों से गुजर रहा हूँ हैप्पी होली अरे ये यार इस टाइप का मतलब गली बनाते हैं अपना सेफ बाउंड्रिंग करते हैं यहाँ पे अपने गांव को कि मतलब जानवर से ज़्यादातर तो यहाँ जानवर से ही रिक्शा रैनो देखा मैंने दूर से देखा दूर से सो चलो और कहीं चलते हैं क्या चीज़ का पेड़ है फूल गाछ लगे की फूल गाछ लगे थोड़ा सा मुझे भी देना आप अने इन्होंने ये पेंट किया है या ये सब मिट्टी ही होता है सब माटी का है माटी का है ना गोबर गुण ये हाँ गुण माटी गोबर बोलो क्या क्या बनता है इसी ये क्या से पेंट हुआ क्या गोबर हाँ माटी हाँ और सीमेंट बगा माटी तो बोले दे रहे थे तो लाने गए थे वहाँ से यहाँ मिलता है बोगा माटी भी हम लोग जाने के लिए सोच रहे थे लेकिन जा नहीं पाए
मुन्ना भैया भी हमारे साथ पहली बार गांव घूम रहे हैं ना मुन्ना भैया, पहाड़ पे भी पहली बार गए और गांव भी पहली बार घूम रहे हैं, सो अच्छा लग रहा है ना। वो क्या है मुन्ना भैया, वो हम लोग तरफ जो होता है झाड़ू के लिए नारियल वाला है क्या? फूल झाड़ू, फूल झाड़ू है ना, उसका पेड़ होता है ना, मैंने देखा है सिक्किम में। चलो अविनाश भैया, और ये वीडियो ये कंटेंट के लिए भाई सबको धन्यवाद देना, अविनाश भैया को, मुन्ना भैया को, क्योंकि भाई और वो पिकअप वाले भी, पिकअप वाला आगे जा रहा था बट हम लोग को उतार दिया पीछे ही, तो उसको भी धन्यवाद देना यार, क्योंकि वो यहाँ पे उतारा इसलिए हम आपको ये कंटेंट मिला, नहीं तो नहीं मिल पाता कंटेंट भाई, ये वाला और ये वाला मिस कर जाता, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। तो चलो और देखते हैं, और गांव घूम रहे हैं अभी, यहाँ पे सोलर पैनल भी लगा, बिजली है ना यहाँ, हाँ बिजली तो है, क्या दुर्गा मणि, चलिए आपने होली नहीं खेला? नहीं खेलता। क्यों? जाम भर नहीं, मतलब तबीयत खराब है। क्यों बोलो? तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा अच्छा, इनको फीवर है इसलिए तबीयत, इसलिए वो होली नहीं खेले, हमको लगा कि वो खेलते ही नहीं, तो नहीं, रीजन पता चला कि उनका भी तबीयत खराब है। सो चलो और कुछ देखते हैं। असम का रिवाज है, होली लगाता है, हम लोग जो भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, हम लोग का समय हिंदू चलता है, होली लगाता है। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली भैया, हैप्पी होली, हैप्पी होली। मैं भी लगा दूं थोड़ा, अच्छा बात है, अच्छा बात है, बढ़िया बात है। हम लोग के लिए नमस्ते कीजिए। नमस्ते नमस्ते, मैं भी ऐसे हर हाल में होना चाहिए, हंसी खुशी में हम लोग का परिवार। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं भी असम का होली देखना चाहता था, बट दो दिन से गुवाहाटी में था, दो दिन से तेजपुर में था, अभी मैं जा रहा था जोरहाट, तो यहाँ उतरा इनके हम लोग, इतने आशीर्वाद दीजिए हम लोग कि हम लोग खो जाएगा। ये है टी गार्डन, ये टी कब निकलता है, कौन मौसम में टी, मतलब इसके बाद वाला महीने में निकलेगा, इसके बाद अभी अभी इसका नहीं लग, पर नहीं अभी नहीं, अभी निकलेगा ना। अच्छा शो, दोस्तों अभी हम जाने वाले हैं ऊपर ट्रैक करके पहाड़ पे, और ये भैया, दोनों भैया के साथ में जाने वाले हैं। सो बहुत दिन हो गया यार, सिटी सिटी कुछ मंदिर वंदिर बहुत कुछ हो गया, अब एडवेंचर कुछ करते हैं आज। सो दोस्तों आप ये देख रहे हो कि ये चाय का बागान है यार, टी गार्डन, और पहली बार देख रहा हूँ यार, पहली बार महसूस कर रहा हूँ छू करके, और काफ़ी खुशी मिल रही है वाइब कि मैं टी गार्डन में आया, हालांकि उतना तो हरियाली नहीं है, और एक महीने बाद इसका प्रोसेस किया जाएगा, और चलते हैं अभी ऊपर कुछ एडवेंचर करते हैं, पहाड़ वहाड़ है ऊपर जाते हैं। तो
जितना नज़र आ रहा है भाई पूरा टी गार्डन ही है। तो चलो फिर चलते हैं हम लोग भी ऊपर। सो दोस्तों हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं यार यहाँ। अरे सब अपने भैया बिहार के लोग हैं, फिर इन्होंने बोला कि चलो आपको घुमाता हूँ, लिफ्ट नहीं मिल रहा है, आज होली है, इस चलते कम गाड़ी जा रहा है और शायद इनके कंपनी से भी गाड़ी कल जाएगा जोरहाट, है ना। तो देखते हैं, भैया ने अप्रोच किया, खाना वाना सब बोले हैं, तो अच्छा लगा मिल करके। बहुत दिन के बाद पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ भाई। सो चलो। सो दोस्तों रास्ता नहीं है, पहाड़ से जाना है, मतलब रास्ता है लेकिन पत्थर वाला। अरे भैया आप रहे करे, अरे दादा, अरे दादा, इतना हम लोग मेहनत वाले आदमी हैं, हाँ इतना मेहनत करते हैं फिर भी सांस चढ़ रहा है। मेरा सिर्फ पैर दुख रहा है और कुछ नहीं। वो पैर दुख रहा कि कल मैंने 8 किलोमीटर चला था वही पैदल, और 30 केजी वजन लेकर के वही से दिक्कत हो रहा है भाई थोड़ा। ये ज़्यादा डेंजरस है, देखो कैसे जा रहे हैं विकास भैया, बांस पकड़ पकड़ के। गिरना मत भाई, लेके मैं भी गिर जाऊंगा। आज कुछ एडवेंचर हो गया भाई। तो इसी बात पे सबको सब्सक्राइब कर दो, एक एक लाइक तो बनता है ब्रो। चलो फिर हम चलते हैं आगे, आप लोग सब्सक्राइब करो। अब वो डेली आते हैं ना इसलिए उनको हैबिट है। और विकास भैया देखो कैसे खड़ा है, मतलब हाँ। तो चलो फिर चलते हैं, कैमरा बंद करना पड़ रहा है यार क्योंकि गिर भर जाऊंगा कैमरे के चक्कर में भाई, लेनी के देनी पड़ जाएगी। सो दोस्तों मुन्ना भैया बोल रहे हैं कि गलत रास्ता से हमें लेकर चलाया और उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ रहा है यार। और बोल रहे मुन्ना भैया कि हम लोग तो इतना काम करता है फिर भी यार सांस चढ़ जा रही है। तो भाई मेरी भी सांस चढ़ती थी लेकिन अभी शायद मेरा स्टेमिना बन गया है। मेरे को लगा नहीं था कि मुन्ना भैया आ जाएंगे, बट आ गए। ओ बच के बच के। तो चलो अभी और आगे है। ओ भैया आप रुको, आपसे बात करना है। अरे बड़ा खतरनाक खिलाड़ी है भाई ये तो। नाम भुला गए, क्या नाम था? अविनाश और अविनाश। अविनाश क्या खाते हो आप, तो पहले बताओ आप क्या खाते हो यहाँ में? यहाँ में हम लोग तो मतलब आपका टमाटर। क्या खाते हो कि इतना जल्दी चढ़ रहे हो? आदत बन गया है। यहाँ में हम लोग बहुत मैंने 2007 से हम काम करते हैं। यहाँ में काम करते मेरे पापा का डेड भी हो गया, ठीक है ना। यहाँ का पूरा कल्चर मुझे मालूम है। अच्छा, रोड वो क्या करना है नहीं करना, मतलब चिल्ड मारने आ जाते हो दिन भर में, तो हैबिट है भैया को। चलो ठीक है दोस्तों, आपके लिए काफी अच्छा कंटेंट मिल गया यार, और मेरे लिए भी कुछ एडवेंचर हो गया। क्या सांभा? अरे सांभा गब्बर हो रहे, गब्बर हो लगी रेस एक बार दौड़ कर चढ़ने में। सांभा गब्बर दौड़ाता है, दौड़ता नहीं है। टाइम नहीं मिलेगा हमें, कभी मौका नहीं मिलेगा। मौका नहीं पानी में, हाँ ये हम लोग को मिले तीर जो आसान है ना, हाँ उसका नहीं है। अच्छा ये अब तक पता है काल भी क्या मुन्ना भैया, हाँ कैसा लग रहा है? पहाड़ का पानी, पहाड़ का पानी है ना, कैसा लग रहा है बताइए? यहाँ कोई बोर नहीं है, बिहार का मिट्टी है, बिहार का मिट्टी है इसलिए चढ़ पाए, दूसरा कोई नहीं चढ़ पाया। मुन्ना भैया बोल रहे बिहार का मिट्टी है इसीलिए चढ़ पाया, दूसरा कोई नहीं चढ़ पाता। तो एक ये चला दिए, ये बोल रहे हैं विकास भैया कि चार बिहारी पहाड़ पे भारी। तो ये विकास भैया का शब्द है यार, उन्होंने चलते चलते यूं ही बना दिया। भगवान से फिर करते हैं, करते हैं करते हैं। थोड़ा मुन्ना भैया को देखिए, साथ में लेके आए हैं, साथ में लेकर जाएंगे। रेडी मानते हैं गार्जियन। अच्छा डैडी मानते हैं है ना, अंकल। अच्छा मेरे बाप का डेथ होने के बाद मैं उसका अपना डैडी मानता हूं। अच्छा अच्छा। सो गाइस मुन्ना भैया क्या बोल रहे हैं आप सुनो। दिल कर रहा है कि हम भी अपना सब कुछ छोड़ के ऐसा सेवा कुछ नहीं,
वो रहे कि मन कर रहा है कि हम सब कुछ छोड़ करके तुम लोग के साथ ज्वाइन कर ले। हम बोले कि चलो क्यों, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी कुछ नहीं है, जिंदगी यही सब है, बाकी कुछ नहीं। आप लोग के साथ हम लोग आके ना बहुत ज्यादा आनंद है, अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा। चलो यहाँ पे बाकी लोग को नहीं दिखाता ये एरिया, ठीक है ना, आप लोग ही यहाँ पे ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी पूरा आपके साथ पड़े ऊपर से। अच्छा तो चलो यहाँ पे फेस वेस धोता, देख रहे हो कितना गंदा हो गया है। सो दोस्तों पहली बार इतना ठंडा पानी है सामने मिला यार, फ्रिज से ज़्यादा ठंडा है और काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट है। ये पहाड़ का पानी है भाई, पता ना कहाँ से आता है मुन्ना भाई, आप ही बताओ। ये पहाड़ के ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से आता है। और मैंने अपना चेहरा धोया, पानी पिया यार, बहुत अच्छा पानी है भाई, ये प्योर वाटर है, प्योर, इसमें कोई मिनरल का जरूरत, कोई मिनरल की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक मिनरल है ना। तो यहाँ पे सब कोई चिल हो रहे हैं, मुन्ना भाई अभी चिल है कि ऐसा हमारा भी सौभाग है भैया कि आपसे हम मिले, आप मेरे परिवार है, परिवार ऐसा बन गए। थैंक यू। चलिए तो चलो, अब ज़्यादा दूर मंजिल नहीं है। और बड़ा वाला कैमरा मैं लाना भूल गया, मैं निकाल रहा था बड़ा वाला कैमरा, लेकिन बड़ा वाला कैमरा लेकर नहीं आया। सो दोस्तों आप देख रहे हो कितना हम लोग हाइट पर आ चुके हैं और इधर क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। थैंक यू भैया यहाँ तक लाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो यार आप, मतलब काफ़ी हम लोग हाइट पे आ गए और हम लोग वो टावर के पास से चले, वहाँ से आ रहे हैं। और मुन्ना भैया लाइफ में पहली बार यहाँ पे आए हैं, बोल रहे हैं कि सौभाग्य प्राप्त हो गया। तो कोई नहीं यार, हम लोग जहाँ भी जाएंगे ऐसे ऐसे अगर मिलेंगे कि मैं नहीं जा सकता, उनको लेकर चले जाएंगे। तो हिम्मत है, आपने भी हिम्मत किया, चले आए हैं ना आप लोग, चलते हैं भगवान से दर्शन तो कर लिए। हाँ भगवान, चलिए यहाँ पे एक भगवान जी है उनसे दर्शन करते हैं, भगवान शिव हैं और शिव जी हैं यहाँ पे, तो दर्शन कर लेते हैं ऑफ कैमरा। अभी थोड़ा सा क्लाउड है यार ऊपर, पता नहीं यहाँ क्लाउड क्यों है, हमारे तरफ तो इस टाइम में क्लाउड नहीं होता है लेकिन यहाँ पे क्लाउड है। सो असम वालों, मैंने यहाँ तक आ गया है, क्या आपने आया है, कौन कौन असम से आया, काजीरंगा से खास करके कौन कौन यहाँ तक आया, कमेंट करके बताओ यार। मैं आगे चल रहा हूँ और सांभा को बोल रहा हूँ बार बार के रिटायरमेंट ले लो, सांभा आपसे नहीं होगा तो बोलता है नहीं मेरे को सरदार ही रहने दो, मैं बोल रहा हूँ कि सरदार मुझे बना दो, देखो कितना पीछे है वो, देखो मुन्ना भैया कैसे उतर रहा है, ये अविनाश भैया देखो यहाँ पे, देख लो यहाँ पे, यहाँ से उतरो ना, यहाँ से सीधा आपके 0 मीटर में, 0 मीटर आओ। देखो देखो कैसे उतर रहे भाई, तेरी का ट्रिक है ये, ट्रिक देख रहे हो यार, ऊपर है ना। चलो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, काफी था, काफी था इतना। सो दोस्तों हम लोग आ गए ऊपर से नीचे और चलो अब गांव में आ गए हैं यार। यहाँ पे लोग टीन वाले मकान में ज़्यादा रहते हैं, आपको ढलाई वाला नहीं देखने को मिलेगा। गांव है, गांव का कल्चर है और काफ़ी अच्छा कल्चर है। तो गांव तो अपने अभी होता है यार, लेकिन अब तो शहर में बदलते जा रहा है अपना गांव भी। जो देख रहा है वीडियो गाइस, जुने जुने साइसा लाइक कोई दीवा, सब्सक्राइब कोई दीवा। तो यार आप लोग समझ गए होगा सामने में, तो आप लोग यार प्लीज सब्सक्राइब कोई दीवा, इनका बात मानो। चलो हैप्पी होली, हैप्पी होली, बहुत अच्छा लगा भाई मिलके। और चारों तरफ देखो टी गार्डन, टी गार्डन है। सो दोस्तों अब आ गया मैं इधर और इको पॉइंट है जहाँ पे अभी नहीं हो पा रहा है, सो उसके लिए और आगे जाना पड़ेगा यार, तो उधर जाना ठीक नहीं है क्योंकि आर्मी कैंप है उधर। सो कहीं और होगा इको पॉइंट तो आपको वो चित दिखाऊंगा, फिलहाल यहाँ पे अभी नहीं जा सकते हैं। हुआ 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 हुआ, ये इसको शर्माता है, घास को देखो मैं छूता है इसको, देखो ये देखो इसको छूता है मैं, इसको छू कर देखिए, कुछ हुई भी ना, अब नहीं हुआ।